अगेन मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अरुण पवार और डीडीएस वालों के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखे, उन्हें देख के मैंने ये कार ली बलिनो। इस गाड़ी में मैंने देखा बहुत स्पेस पीछे बहुत है, तो काफी मैंने इसके बारे में डिजाइन सोचा क्या किया जाए, कि इसको पूरा बेड बना दिया जाए पीछे, क्योंकि आप इसे लेटा तो सकते हो लेटाने के बाद, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है तो आप पूरा लेट नहीं सकते। तो उसी के लिए मैंने एक ऐसी चीज बनाई है, खुद उसके बारे में रिसर्च किया, डिजाइन किया उसको, और काफी घंटे भी था उसके बारे में। तो आप इधर आइए, इधर से देखिए, अभी आप कुछ कह नहीं सकते इस गाड़ी में ऐसा कुछ है। तो मैंने एक फोल्डिंग फ्लैट बेड बनाया इसके लिए। तो कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कमाल। सबसे पहले आपको गाड़ी की ये सीट को नीचे करना है, तो फ्लैट बेड जो है वो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे, ये फ्लैट बेड मैंने बनाया है, आप निकाल सकते हो इसको। तो देखिए ऐसे करके ये पूरा खुल जाता है और आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो गाड़ी में भी चाहे तो गाड़ी में आप इसको फ्लैट बेड बना कर रखते हैं, चाहे नीचे अगर लेटाना चाहें तो ऐसे आप यहाँ पे नीचे भी लेटा सकते हो, पिकनिक पे अगर जाए। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में इसको कैसे यूज करना। तो गाड़ी में देखिए ऐसे रखा हुआ था ये, तो आपको सबसे पहले इसे पीछे से उठाना है और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है और इसको पीछे ऐसे रख देना है। तो आप देख सकते हो ये अभी आपका सीटिंग का तो बन गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो है, दो सपोर्ट टाइप के बने हुए हैं, डिजाइन का पार्ट है। तो ये जो मैंने डिजाइन बनाया है ये भी इस तरह से बनाया है कि इसके ऊपर आप रख सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा और अगर ऐसे नहीं करेंगे तो नीचे रहेगा। इसके साथ मैंने मैट्रेस रखी हुई है और एक चादर रखी हुई है। तो आप नीचे रखना चाहें तो आपके पैर थोड़े से ऐसे रहेंगे, एंगल्ड में रहेंगे, और अगर आप सीधा रखना चाहें तो आप इसको इसके ऊपर टिका दीजिए। तो देखिए अभी मैंने पैर फैला के, अगर आप बैठना चाहें इसमें, मैं बैठ के दिखा देता हूँ, आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो, अपना मोबाइल यूज कर सकते हो, अपना लैपटॉप यूज कर सकते हो, जो चाहे आप यहाँ पे बैठ के यूज कर सकते हो। चिको इधर आना बेटा, अक्कू आप भी आ जाओ। तो ये जो जगह है आराम से दो लोगों के लिए है और एक बच्चा इसमें आ सकता है, और अगर थोड़ा एडजस्ट करना चाहें इधर से आओ बेटा, और अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो कोई बात नहीं बेटा, तीन लोग आराम से आ सकते हैं, आराम से पैर पीछे पैर फैला के आप आराम से बैठ सकते हो और बैक को पूरा रेस्ट है। देखिए और पीछे आगे देखिए कितनी जगह बची हुई है, और इधर से भी आप दिखाइए, देखिए सीटिंग की पोजीशन जो है ड्राइवर के लिए वो प्रॉपर है, गाड़ी को चला सकते हैं। ये मेरी सीटिंग पोजीशन है इस वक्त, देखिए आराम से बैठा हूँ मैं और पीछे लोग वैसे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो मैंने बताया कि इसको मैं बेडरूम बना दूंगा, तो वो अगर बनाना है तो उसके लिए मेरे को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों आगे हो जाओ थोड़ा सा, उसके लिए क्या है, इसमें मैंने स्ट्रेप्स दी हुई है, ये देखिए इसमें स्ट्रेप्स है, इन स्ट्रेप्स को आपको इसमें डालना है, सीट को फोल्ड कर देना है ऐसे ही, दूसरी साइड से करना होगा, देखिए वो स्ट्रैप जो है यहाँ से, ये स्ट्रैप मैंने इसमें डाल दिए हैं बैक में, और इसको देखिए अभी आपका, अब आप उसमें देख सकते हो आराम से। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें लेटा भी जा सकते हैं आराम से। चढ़ना कहाँ से है, इस जगह से, क्योंकि यहाँ ही बेस है, यहाँ भी इतना हैवी सपोर्ट नहीं है और इधर भी इतना हैवी सपोर्ट नहीं, क्योंकि इससे हैंग कर किया हुआ है। यहाँ पे अपना घुटना रख के मैं इसमें चढ़ सकता हूँ आराम से, इसमें देखिए आराम से, मेरी हाइट जो है करीबन 6 फीट के आसपास है, इसमें थोड़ा एडजस्ट भी करना चाहें तो आप इस सीट को थोड़ा और पीछे कर सकते हैं, ठीक है, आराम से मैं लेता हूँ, पूरे मेरे पैर नीचे लगा रहे हैं, दो लोग आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दो आदमी आराम से लेट सकते हैं, और ये अक्को भी हमारी इधर से साइड से दिखा, ये देखिए अगर आप एंगल देखना चाहें तो
कलर लगा हुआ है और ये यहाँ पे जो नेकरेस्ट है वो यहाँ पे आप तकिए का काम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आराम से लेटा हूँ यहाँ पे, तो दो लड़के हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा आराम से यहाँ पे लेट के इसमें जा सकते हैं मारुति बलेनो में। मैं इसको फोल्ड करना भी बता देता हूँ ये वापिस कैसे लगाना है। तो इसमें एक चीज है, अगर आप देखिए यहाँ पे अगर सपोर्ट आपको ज्यादा चाहिए तो मैट्रेस आप नीचे रखिए, ऊपर चादर डाल दीजिए। अगर आपको ज्यादा कम्फर्ट चाहिए तो आप मैट्रेस डालिए यहाँ पे और नीचे इसमें ये इस पे टिका रहेगा। और अगर यहाँ पे जो है इन कोनों पे टिका रहेगा, अगर आपको पैर थोड़े नीचे करने हैं तो नीचे कर लीजिए, तो नीचे से ऐसे सपोर्ट मिल जाएगी, इसमें आपको ये एंगल मिल जाएगा, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सफिशिएंट स्ट्रेंथ है इसकी। तो अब मैं इसको लपेट लेता हूँ। नीचे डाल दिया, स्टेप्स निकाल लीजिए और इसे ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे इसको और इसको ऐसे पीछे कीजिए। ये हो गया आपका फ्लैट बेड गायब, आपका हो गया फ्लैट बेड यहाँ से गायब। कोई नहीं बता सकता इसके अंदर फ्लैट बेड है, देखिए। तो चादर भी मैंने एक्स्ट्रा रखी थी खाने के लिए, इसको साइड में रख दिया मैंने। सो अरुण पवार और टीडीएस वालों से भी मैं कहूंगा कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो थोड़ा हमारे बारे में भी बोल दीजिएगा। और अगर ये फ्लैट बेड किसी को चाहिए तो हम ऑन ऑर्डर ये बना के भी दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपको कहाँ के लिए चाहिए होगा, तो ये हम आपको बना के दे देंगे। तो जिसको भी ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि आपकी बलेनो 5 सीटर 7 सीटर कैसे बन जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए बलेनो का बेडरूम वाला वीडियो। थैंक यू।